नमस्ते, मेरा नाम इशिता फुलोरिया है। इस साल मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 140 रैंक प्राप्त करी है। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहूँगी। मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है और मैंने अपनी हायर एजुकेशन भी दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ डे टू डे चीज़ों के बारे में बात करूँ जो एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हम फेस करते हैं। सबसे पहले जो मेरा हमेशा एक मन में डाउट चलता था पढ़ते हुए कि दिन में हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए या फिर हम दिन में कितने ब्रेक्स ले सकते हैं, कितना हम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस रिलीव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ब्रेक्स जब हम लेते हैं हमें बहुत गिल्टी फील होता है कि कोई और होगा हमारा कंपटीशन जो इस 15-20 मिनट में भी पढ़ाई कर रहा है और वो हमसे आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, तो बहुत गिल्टी फील होता है। तो मैं भी जब इन आंसर्स को ढूंढती थी तो मुझे कहीं कहीं मिलता था कि 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सो और 8 घंटे रेस्ट करो, बट ये काफ़ी बार रियलिस्टिक नहीं होता। तो मैं बस इतना अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी कि कोई एक स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है कि आप अपने पूरे जर्नी में इतने ही घंटे पढ़िए, इतना ही घंटे रेस्ट कीजिए। जब मैंने शुरू किया था पढ़ना तब मैंने अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में किया था, तो उस वक्त मेरी एज भी नहीं थी, मैं 21 साल की भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा कम 4-5 घंटे पढ़ती थी और भी चीज़ों पर ध्यान देती थी, कॉलेज की पढ़ाई भी करती थी। पर फिर जैसे जैसे मेरा पहला अटैम्प्ट आने लगा 2022 में, तब मैंने बहुत ही ज़्यादा जोश से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। दिन के मैं 10-11 घंटे पढ़ती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि 10-11 घंटे पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि आप सो नहीं रहे हो, आप किसी से मिल नहीं रहे हो, आपका पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। तो मुझे ये भी फील होने लगा कि ऐसे हम नहीं रह सकते फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, क्योंकि जैसे बोला जाता है UPSC की पढ़ाई एक मैराथन है, आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं की जा सकती। तो मैंने अपने गोल्स कम किए, मैंने अपने पढ़ने के घंटे कम किए और मैंने ट्राई किया मैं कुछ हॉबीज़ पिकअप करूं। जैसे मैं गिटार बजाती हूं, तो मैं गिटार मैंने बजाना शुरू किया। कभी कभी बीच में मैं खेलने चली जाती थी, ऑल्दो रेगुलर ज़्यादा नहीं होता था, बट फिर जैसे जैसे प्रिलिम्स पास आने लगे मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए और मेंस के लिए भी मैंने स्टडी आवर्स हाई ही रखे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप इतने ही घंटे पढ़िए। कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, मेंस के पहले कुछ ऐसे भी दिन थे जिसमें मैं सिर्फ 5-6 घंटे ही पढ़ पाती थी, उसके बाद मुझ में पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी, कुछ दिन मैं 8-9 घंटे तक चली जाती थी। तो वो कम्प्लीटली आप पर है, आपकी मेंटल स्थिति भी कैसी है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है वो भी देखना पड़ता है। तो इसका बेसिकली कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आप अपने हालातों को, अपनी सर्कमस्टांसेस, अपनी प्रेपरेशन को देखकर इसे डिसाइड कीजिए। सेकंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जो स्ट्रेस लेते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, कि अगेन जो मेरे पिछले पॉइंट से रिलेटेड है कि हमें कितना घंटे पढ़ना है, हम क्या अपने हॉबीज़ को टाइम दे रहे हैं, हम क्या सोने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि स्पेशली प्रिलिम्स, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और आपको 100 questions करने होते हैं, तो आपको प्रिलिम्स वाले दिन स्ट्रेस फ्री रहना होता है। बट अगर आप प्रिलिम्स से 2 महीने पहले हर रोज़ स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि प्रिलिम्स वाले दिन सडनली आपका स्ट्रेस चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए प्रिलिम्स से 2 महीने पहले आप पूरी नींद लीजिए, 2 महीने पहले से करना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर आपकी एक हैबिट बनेगी और आप प्रिलिम्स वाले दिन थोड़ा स्ट्रेस फ्री होंगे। और एक और बात है कि आप जितना इस एग्ज़ाम को अपने दिमाग में हाइप अप करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए चैलेंजिंग लगेगा। आप जितना इस एग्ज़ाम को बड़ा बनाएंगे उतना ये आपको डराएगा। ये एग्ज़ाम मुश्किल है, ये मैं मना नहीं कर रही, बट अगर आप अपने आप को कन्विंस कर देंगे कि ये मुश्किल है और ये मुझसे नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो सच बन जाए। मैं अपना मैंने एक स्टोरी सुनी थी एक और एस्पिरेंट की, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 2010, 11, 12, 13 इस टाइम पर
उन्होंने कंटिन्यूसली 5-6 प्रीलिम्स निकाले थे और वो भी हर प्रीलिम्स उन्होंने क्लियर करा था और कुछ कुछ प्रीलिम्स में उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ प्राप्त किया था। तो ये एक तो पहले सबसे पहले ये वो टाइम था जब प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा था, बीच में सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था, एक दो और चेंजेस आए थे, इन सब के बावजूद उन्होंने हर साल प्रीलिम्स निकाले। तो जब मैंने ये उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि अगर ये कर सकते हैं और वो भी ऐसे टाइम पर जब पैटर्न बदल रहा था एग्ज़ाम का, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुश्किल है प्रीलिम्स निकालना, बट अगर और लोग कर रहे हैं और हर साल कर रहे हैं तो ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो मैं नहीं कर रही या फिर जो मुझे करना चाहिए। तो आप अपना माइंडसेट बदलिए कि प्रीलिम्स दूसरे लोग निकालते हैं, मैं भी निकाल सकती हूँ, बस मुझे क्या करना है ऐसा जिससे मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए यही बोलूँगी कि आप PYQs को ढंग से एनालाइज़ करिए। ये अगर आप कर चुके हैं और इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो मैं ये मानती हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, और क्या आप अपना उसको कोर्स करेक्ट कीजिए। आप और स्ट्रैटेजीज़ देखिए कि किस तरीके से PYQs एनालाइज होए जा सकते हैं, और हो सकता है कि आप फाइनली कुछ सही किसी सही मार्ग पर चलकर उसका एक्चुअली में रिज़ल्ट प्राप्त कर सके, क्योंकि मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ था PYQs को एनालाइज करके। थर्ड, मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने सब कुछ किया हो इस एग्ज़ाम में। सब कुछ का मतलब अपना ऑप्शनल सबसे बढ़िया तरीके से किया हो, GS एकदम बढ़िया से किया हो, प्रीलिम्स की तैयारी बढ़िया से करी हो, CSAT एकदम बढ़िया से करी हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि अगर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो पाएगा, आपका सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा। एक 80-20 प्रिंसिपल है कि आपके 80% कॉन्सिक्वेंसेस जो है सिर्फ 20% कॉजेस से आते हैं। ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि ये आपके UPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी अप्लाई होता है। आपके सिलेबस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे टॉपिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि प्रीलिम्स में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का सेक्शन है वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है और इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप देखें तो PYQs में 2010 से इन दो टॉपिक से सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप पार्लियामेंट जैसा कोई टॉपिक देखिए तो उससे कम से कम 22-25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। तो क्लियरली एक टॉपिक दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, कुछ आपकी करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस छूट जाएंगी, बट आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि कोई नहीं कर सकता सब कुछ और आप भी नहीं कर सकते। आप भी इंसानों से कम्पीट कर रहे हैं, आप किसी कंप्यूटर से कम्पीट नहीं कर रहे हैं कि वो सब कुछ पढ़ के सब याद कर लेंगे। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए और ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप सब नहीं कर पाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। चौथी रियलिटी मैं ये बताना चाहूँगी कि हर एस्पिरेंट अपने आप को डाउट करता है। प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, इंटरव्यू से पहले भी मेरे मन में हमेशा ये डाउट रहता था कि हो सकता है इस साल ना निकले तो मैं क्या कर सकती हूँ एज एन ऑल्टरनेटिव। मैंने अपना बैकअप प्लान रखा था कि मैं मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहूँगी आफ्टर मेरा जो मेंस हो जाए 2023 का, उसके बाद मैं मास्टर्स को ज्वाइन करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी डाउट था कि हो सकता है ये एग्ज़ाम निकले ना निकले। अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, सब्जेक्टिविटी होती है मेंस में, इंटरव्यू में भी सब्जेक्टिविटी होती है, तो ये डाउट रहता है, सबके दिमाग में रहता है, आपके दिमाग में भी रहता होगा। बस आपको इस डाउट को बड़ा नहीं बनने देना है। आपका ऑप्टिमिज्म हमेशा आपके डाउट को ओवरशैडो करना चाहिए। डाउट थोड़ा दिमाग में रहेगा बट आपका ऑप्टिमिज्म ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा। बैकअप प्लान होना चाहिए बट आपका माइंड इतना क्लियर होना चाहिए कि इस साल तो मैं ये निकालूंगी ही। मेरा जैसे प्रीलिम्स के पहले ये माइंडसेट था कि मुझे प्रीलिम्स की पढ़ाई दोबारा से नहीं करनी, तो इस बार मैं जितनी कर रही हूँ एकदम अच्छे से करनी है, बढ़िया से करनी है, इसी अटेम्प्ट में निकालना है, दोबारा नहीं पढ़ूंगी मैं इसके लिए। तो आप भी अगेन अपना माइंडसेट ऐसे रखिए कि इस बार तो सफलता मिलेगी ही, बट सफलता ना मिले उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। फिफ्थ पॉइंट में ये बोलना चाहूँगी
कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे हमेशा आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं रहेंगे। कुछ कुछ ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, आज पढ़ाई नहीं करती हूँ, आज ब्रेक ले लेती हूँ। एक दो दिन ये आप कर सकते हैं, बट ये जर्नी ऐसी है कि अगर आपने ज़्यादा लंबे ब्रेक्स ले लिए तो आप थोड़ा पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि जिन दिन आपकी मोटिवेशन काम नहीं आएंगी उन दिन आपको अपनी आदतें और हैबिट्स बचाएंगी। तो आप जितना पढ़ाई को अपनी आदत बना सकते हो, अपने रूटीन का पार्ट बना लो कि अगर पढ़ाई इतनी तो करनी ही है थोड़ी, बाकी जब मोटिवेटेड फील ना हो रहा हो तब बेसिक आपको बेयर मिनिमम जितनी पढ़ाई हो पा रही है उतनी पढ़ाई कर सके, बट छोड़ना नहीं है इसको बीच में कि आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, आज अपनी मन की सुन लेते हैं। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपका सिलेबस रह जाएगा, ये एक सच्चाई है। सिक्स्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे लाइफ में प्रेपरेशन का स्ट्रेस है, बट एक दोबारा से रियलिटी जो आपको याद रखनी चाहिए कि आपका असली स्ट्रेस तब शुरू होगा जब आप सर्विस में अपॉइंट होंगे, क्योंकि सर्विस की चैलेंजेस इतनी हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बनाने होंगे, तो आपका रियल स्ट्रेस तब शुरू होगा। तो आप ये दिमाग में रख के चलिए कि आपको अभी से स्ट्रेस मैनेजमेंट की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम की प्रेपरेशन से इतना स्ट्रेस हो रहे हैं कि आप कुछ और कर ही नहीं पा रहे, आप पढ़ नहीं पा रहे, आपका किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा, आपने अपने आप को सबसे सिक्लूड कर दिया है, तो फिर जब आप फाइनली सर्विस में अपॉइंट होंगे तब आप वो स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे? तो ये एक सवाल अपने खुद से, अपने आप से पूछिए और ट्राई करिए जितना हो सके आप अपना ये स्ट्रेस अंडर कंट्रोल रख सके। बहुत टेक्निक्स होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस है, हमें भी बहुत चीज़ें कल्चर के थ्रू पता है, जैसे योगा, मेडिटेशन, सिंगिंग, डांसिंग, जो आपको करना है आप कीजिए, बट ये स्ट्रेस अभी से आपको कंट्रोल रखने की आदत डालनी पड़ेगी। सेवन्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी ये जर्नी स्टार्ट करी है, आपको हो सकता है 6 महीने हुए हो, 1 साल हुए हो इस प्रिपरेशन को लेकर, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि टाइम के साथ, समय के साथ ये जर्नी आपकी रिलेटिवली ईजी हो जाएगी। आसान नहीं होगी पर थोड़ी और आसान हो जाएगी। आप ये सोचिए अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी न्यू स्किल कभी सीखी हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, खाना बनाना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपने सीखा हो, या फिर आपने वर्कआउट करना सीखा हो जिसमें आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस सीखनी पड़ रही हैं, तो आपको ये पता होगा कि शुरू में सब कुछ बहुत ज़्यादा लगता है। ड्राइविंग का मैं एग्जाम्पल लूँ तो आपको सड़क पर भी ध्यान रखना है, आपको शीशों पर भी ध्यान रखना है, आपको अपनी स्पीड पर ध्यान रखना है, तो शुरू में सब कुछ एक साथ बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, बट टाइम के साथ ये आपकी हैबिट बन जाती है, थोड़ा आसान हो जाता है, मुश्किलें फिर भी आती हैं बट थोड़ा आसान हो जाता है। तो आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने फ्यूचर सेल्फ पे भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंटली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा। बस आपको ये शुरू का फेज़ ओवरकम करना है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझसे कैसे होगा ये सब कुछ, क्योंकि ये शुरू में इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही आपको पहाड़ जैसे लगते हैं, बट धीरे धीरे आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज एस्पिरेंट्स 2-2.5 साल पढ़ने के बाद भी कभी कभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि हम ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। इतने साल पढ़ने के बाद, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के बाद भी हम ढंग से रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो रिविज़न कैसे करना है ये बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले मैं बस किताब पढ़ती थी, अंडरलाइन करती थी, पढ़ने के बाद एक टेस्ट दे देती थी, उसमें मेरे मार्क्स नहीं आते थे, और मार्क्स भी नहीं आते थे, ऐसे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे जो मैंने बस अभी 1-2 घंटे पहले जो मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स पे मुझसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते थे, तो मैं क्लियरली कुछ तो गलत कर रही थी। इस अटेम्प्ट में मैंने अपनी रिविज़न टेक्निक बदली, और ये रिविज़न टेक्निक जो है रिपीटेड रिविजन्स करके जो आपका होता है, रिकॉलिंग करना जो होता है, मैंने वो करना शुरू किया। ये थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट
आप भरोसा रखिए इस टेक्निक पर, और मुझ पर आप भरोसा रखिए जब मैं बोलूं कि ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आप आज जो रिवाइज करेंगे, अगर आपने रिकॉल करके, रिपीटेड रिविजन करके आपने अगर रिवाइज किया है, तो वो आपको 3 महीने बाद भी याद रहेगा। मैं इसको ब्रीफली समझाती हूँ, बट ये आप रिकॉलिंग मेथड्स को अगर आप गूगल करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, तो इसके बहुत वीडियोस है। तो सपोज़ मैं आज हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मेरे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मौर्यन डायनेस्टी है पढ़ने को। तो आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूंगी, थोड़ा सा अगर मुझसे बुद्धिज़्म शुरू हो पाया तो मैं वो करूँगी। कल मैंने जो पहले दिन पढ़ा है मैं वो रिवाइज़ करूँगी, और अगर मेरे पास समय बचा तो मैं बुद्धिज़्म को थोड़ा और कवर करूँगी। तीसरे दिन मैं दोबारा से वो पढ़ूंगी जो मैंने पहले दिन पढ़ा और दूसरे दिन पढ़ा। फिर अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो मैं जैनिज़्म पर जाऊंगी। चौथे दिन ऐसे करके आपको करते रहना है। एक टॉपिक को आप मिनिमम 2-3 बार तो रिवाइज करिए ही इन अ रो, और फिर 1 हफ्ते या 10 दिन बाद आप उन सबको दोबारा से रिवाइज करिए। ये शुरू शुरू में इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आपके रिविजन के साइकिल्स बढ़ेंगे आप एक पूरे सब्जेक्ट को एक दिन में कवर कर पाएंगे। और मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया है। प्रीलिम्स से पहले, जो मेरे प्रीलिम्स से पहले 10 दिन का शेड्यूल था, उसमें ऐसा था कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रही थी, कभी कभी एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स भी मेरे फिनिश हो पा रहे थे, क्योंकि आफ्टर 1 पॉइंट आपके नोट्स में इतना ज़्यादा मटीरियल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमको ज़्यादा मटीरियल लगता है क्योंकि हम अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। अगर आप सिर्फ अपने नोट्स पर फोकस कीजिए और अगर आप सिर्फ रिविजन 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 करिए, स्पेशली प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, तो आपका टास्क बहुत इजी हो जाएगा, आपको एक्चुअली में चीज़ याद रहेंगी और आपका फाइनली रिविजन का लोड बहुत कम हो जाएगा। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस अलग रहा हो, बट मैं पर्सनली इसको एंडोर्स कर सकती हूँ। लास्टली मैं बस आपको 3 ऐसी गलतियाँ बताना चाहूँगी जो आप अवॉइड करिए इस पूरे एग्ज़ाम में। सबसे पहली गलती है कि हम एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जगह हम टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम टेस्ट सीरीज़ में हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। टेस्ट सीरीज़ का पॉइंट ये होता है, प्रीलिम्स के लिए अगर टेस्ट सीरीज़ हो, वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आप पेपर को कैसे अप्रोच करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट इतना वीक नहीं है, आपका वो होना चाहिए फोकस। आप ऐसे अपने टेस्ट्स को एनालाइज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर हम मार्क्स पे फोकस करने लग जाए कि मैं अपने मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ, 60 से 90 कैसे लाऊँ, 90 से 110 कैसे लाऊँ, ये अगर आपका फोकस हो जाएगा तो आप टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे और आप कहीं ना कहीं एक्चुअल एग्ज़ाम के पैटर्न से थोड़ा हिल जाएंगे। तो वो नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी गलती है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए। सेकंड गलती ये है अगेन कि आप PYQs को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी है ही PYQs, क्योंकि प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, एक अंडरलाइंग पैटर्न भी होता है। अगर आप एग्जामिनर हो या फिर अगर आप पेपर सेटर हो जो प्रीलिम्स का पेपर बना रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आप भी जाकर PYQs को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंसाइट देगा एग्ज़ाम में, तो ये डेफिनेटली करना है। मेंस के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है, फॉर इंस्टेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक में या आपके ऑप्शनल में कुछ टॉपिक अगर पिछले साल पूछा है तो चांस है कि इस साल ना पूछे, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा लो प्रायोरिटी रखिए, आप दूसरे टॉपिक्स पर फोकस कीजिए, तो इससे भी आपका अगेन वो प्रायोरिटाइजेशन में हेल्प करता है PYQs, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बड़ी मिस्टेक है कि आपके नोट्स में क्या है ये आपको पता ही नहीं है। मेरे साथ ये हुआ था 2022 के प्रीलिम्स के बाद, 1-2 ऐसे क्वेश्चंस थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो पेपर में आए थे, और मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था पेपर मैंने सोचा था कि ये कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये कौन पढ़ के आया होगा। और जब मैं वापस गई तो मैंने देखा कि मैंने अपने नोट्स में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें उनसे रिलेटेड एक पॉइंट लिखा था, और अगर मुझे वो पॉइंट याद होता
तो मैं एटलीस्ट एलिमिनेट करके उसका आंसर में मैं पहुंच सकती थी, बट मुझे याद ही नहीं था कि मैंने वो लिखा हुआ है अपने नोट्स में। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स पर मास्टरी नहीं आपको हो पाएगी, तब तक कुछ और पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। टॉपिक्स जैसे विमेन सिचुएशन या फिर एनवायरनमेंट के कोई टॉपिक्स या फिर साइंस के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दूसरे जीएस के सब्जेक्ट्स से भी ओवरलैप होते हैं। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपने अपने नोट्स में मटर्नल मोर्टैलिटी रेट या फिर डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो मेंशन किया है या नहीं किया है, तो आप कहेंगे मैंने मेंशन किया है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि आप मुझे अभी ढूंढ कर बताइए एग्जैक्टली कहाँ मेंशन किया है, तो हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लग जाए उसे ढूंढने में। आपका ये एफर्ट रहना चाहिए कि आप इस टाइम को कम कीजिए, अपने नोट से इतना फेमिलियर हो जाइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो कहाँ लिखा है, तो आप कम से कम टाइम में उस स्टेटिस्टिक को निकाल कर सामने रख दीजिए। बस ये है रिविजन का आपका पॉइंट, ये होना चाहिए आप अपने नोट से इतना फेमिलियर हो जाइए, कोई कुछ भी पूछे आपसे आप अपने नोट से वो एकदम से निकाल के रख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैं वीडियो एंड करना चाहूँगी। आई होप कुछ आपको रिलेटेबल बातें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भी सोच रहे हो बट श्योर ना हो, हो सकता है उस पर कुछ क्लैरिटी मिली हो। तो आई होप आपकी जर्नी भी सक्सेसफुल रहे और ऑल द बेस्ट इन योर अटेम्प्ट इस साल, अगले साल, जब भी आप अटेम्प्ट करें। और मैं DKT को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात सामने रखने के लिए, तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो।